प्रियकराचे लग्न झाल्याचे समजल्याने रात्री त्यांच्यामध्ये झालेल्या वादातून प्रियसीने प्रियकराच्या मानेवर कोयत्याने वार करून खून केलाय. अनुराधा आणि महंतेश हे बालपणीचे मित्र होते. ते एकाच तालुक्यात होते. अनुराधा ही सध्या नवले हॉस्पिटलमध्ये परिचारिका म्हणून कामास होती. गेल्या 4-5 वर्षापासून त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. दोघांनी आळंदी येथे जाऊन विवाहही केला होता, परंतु त्यानंतर तो तिला भेटावयास टाळाटाळ करत होता. तिने यापूर्वी सिंहगड पोलीस ठाण्यात त्याच्याविषयी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर सोमवारी रात्री तो दारू पिऊन तिच्या घरी आला. दरम्यान रात्री त्याने माझे लग्न झाले असल्याचे तिला सांगितले. यावरून दोघांच्यात वाद झाला. त्यानंतर महंतेश झोपी गेला असता पहाटे 4:30 सुमारास तिने कोयत्याने त्याच्या मानेवर वार करून खून केला. खून झाल्यानंतर तिने पंख्याला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्नही केला. त्यानंतर तिने तिच्या गावी असलेल्या वडिलांना खून केल्याचे फोन करून कळवले. वडिलांनी पोलीस ठाण्यात जाण्याविषयी सांगितल्याने तिने स्वतः पोलीस चौकीत हजर राहून मी खून केल्याचे सांगितले. एक हमने महिला ताबे में ली है उसका, और इसमें जो मयत है महंतेश बिरादार, ये दोनों का लव अफेयर था 2016 से, और 2019 में ये महंतेश उसके गांव गया था, भाई की शादी थी. तो वहाँ पर वो गांव जाने के बाद में ये महिला का फ़ोन नहीं रिसीव करता था, तो इसको ऐसा लगा कि इसने ही शादी की है. तो इसने फिर पुलिस स्टेशन में आके ये मयत के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दिया था, तो एक रेप का गुनाह नोंद हुआ था. तो उसको मालूम पड़ा गाँव के ओर कि इसने अपने खिलाफ रेप का गुनाह नोंद किया है, तो वहाँ से वो फरार हो गया था. और फिर उसने इसके साथ में फिर और कांटेक्ट किया. दोनों ने जाके आलंदी में शादी की थी. शादी होने के बाद में पुलिस स्टेशन में आया था, तो उसके खिलाफ रेप का गुनाह होने से उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था. और अरेस्ट होने के बाद में साधारण एक महीने में उसका जामीन हुआ था. और जब से ये हस्बैंड वाइफ करके रह रहे थे, लेकिन ये दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, और उससे झगड़ा करता था, उसके पैसे खर्च करता था, और मेरे खिलाफ़ जो केस किया है वो वापस ले ले और मेरे को डिवोर्स दे दे, इस टाइप का उनका झगड़ा चलता था. रात में भी वो दारू पी के आया था 1 बजे के करीबन, और रात में उसने फिर से झगड़ा किया, और झगड़े में उसका गला दबाने की कोशिश की महिला का, तो उसने फिर ये उसके हाथ से छूटी. और ये सोने के बाद में सवेरे 4:30 के करीबन उसने घर में एक कोयता टाइप हथियार था, उससे उसका मर्डर कर दिया है. और वो भी खुद सुसाइड करने वाली थी, तो उसने उसके रिलेटिव्स को कांटेक्ट किया था. उन्होंने बोला कि तुम ऐसा मत करो, फिर पुलिस को बताओ. तो सवेरे 8:30 वो पुलिस स्टेशन में आके उसने बताया था. उसके बाद में हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया है, और उसको हमने कस्टडी में लिया है. अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है.